आज हम बात करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय शब्द। ये संबंध सूचक क्या होते हैं? ये हमारी भाषा को बोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अंग्रेजी शुद्ध भाषा बोलने के लिए इनका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रीपोजिशन होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन क्या होता है? केवल एक शब्द होता है विच यूज टू विच प्लेस बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन। विच माने जो, प्लेस माने लगाया जाता है, बिफोर माने पहले, ए नाउन एंड ए प्रोनाउन जो एक संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगाया जाता है। एंड सो, शो माने प्रकट करता है, दर्शाता है। इट्स रिलेशन माने अपना संबंध। टू सम अदर वर्ड माने किसी अन्य दूसरे शब्द से। इन ए सेंटेंस माने एक वाक्य। यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले लगाया जाता है और वह अपना संबंध वाक्य में किसी अन्य शब्द से प्रकट करता है। कहने का मतलब है कि ये शब्द वाक्य में किसी अन्य संज्ञा शब्द से पहले लगाए जाते हैं और वो जिस संज्ञा शब्द से पहले जो शब्द लगाया जाता है, जैसे कि द टेबल एक नाउन है, नाउन से पहले हमने ऑन शब्द का प्रयोग किया है, तो ये जिस संज्ञा शब्द से पहले या जिस सर्वनाम से पहले लगते हैं वे उसका संबंध वाक्य में किसी अन्य दूसरे शब्द से प्रकट करते हैं, अर्थात उसका संबंध दूसरे शब्द से बदलाते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। समझ लेते हैं, पुस्तक कहां पर है? मेज पर है। तो ये मेज से पहले लग रहा है, ये ऑन शब्द अब इस मेज की स्थिति बता रहा है, ये अपना संबंध बता रहा है। किससे संबंध बता रहा है? पुस्तक से। पुस्तक कहां पर है? मेज पर। मेज पर क्या है? पुस्तक। पुस्तक पर क्या है? टेबल पर क्या है? एक पुस्तक। तो ये अपना संबंध बता रही है कि बुक कहां पर है? टेबल के ऊपर। अब देखिए इसका कितना बड़ा योगदान होता है। यदि हम इसमें से ऑन को हटा देते हैं तो आप देखिए इसका अर्थ क्या निकल गया। अब वाक्य बन गया आपका द बुक इज द टेबल, अर्थात इसका अर्थ हो गया पुस्तक मेज है या पुस्तक मेज होती है। तो पुस्तक कोई मेज होती है क्या? पुस्तक कोई मेज है क्या? तो एक शब्द की वजह से ही पूरे वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो गया। तो हमें प्रीपोजिशनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करके सारे प्रीपोजिशन आपको समझ में आ जाएंगे। ऑन